हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आई होप कि इस चैनल के द्वारा अपलोड की गई वीडियोस आपके सिलेबस को समझने में हेल्प कर रही होंगी। और आज के वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स लेसन नंबर 5 फुटप्रिंट विदाउट फीट से। ये लेसन रिलेटेड है क्लास 10th के सिलेबस से। क्वेश्चन नंबर 1 इज Why were the two boys surprised and fascinated? क्यों दो लड़के आश्चर्यचकित थे? इस क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, How was the reaction of the two boys? किस प्रकार की प्रतिक्रिया रिएक्शन था दो लड़कों का when they saw, जब उन्होंने देखा the mark of bare feet, नंगे पैरों के निशान। आंसर में लिखेंगे द टू बॉयज वर सरप्राइज्ड, दो लड़के सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे एंड फैसिनेटेड व्हेन दे सॉ द मार्क ऑफ बेयर फीट, जब उन्होंने नंगे पैरों के निशान देखे। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में यही एक आंसर लिखा जा सकता है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में पूछा गया था क्यों आकर्षित थे, क्यों वो सरप्राइज थे। तो यहाँ हम बता रहे हैं कि जब उन्होंने नंगे पैरों के निशान देखे तो वो सरप्राइज हो गए थे। और सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ, किस प्रकार का रिएक्शन उन्होंने दिया जब उन्होंने निशान देखे। तो किस प्रकार का रिएक्शन दिया, दोनों लड़के आश्चर्यचकित और फैसिनेटेड थे। इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन एक ही आंसर से पूरे लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई हैड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर। ग्रिफिन ने बड़े लंदन स्टोर में प्रवेश करने का डिसीजन क्यों लिया। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, गलियों में इधर उधर घूमने की बजाय, एंड फॉर वार्मथ, और गर्मी पाने के लिए ग्रिफिन ने डिसाइड किया टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर। नेक्स्ट इज नंबर 3, व्हाट डिड द इनविजिबल मैन डू इन द बिग लंदन स्टोर। उस अदृश्य व्यक्ति ने बड़े लंदन स्टोर में क्या किया। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट डिड ग्रिफिन डू, ग्रिफिन ने क्या किया इनसाइड द बिग लंदन स्टोर। इन द बिग लंदन स्टोर ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड मैन, बड़े लंदन के स्टोर में वह पूरी तरह से ड्रेस पहनकर एक व्यक्ति बन गया। विद शूज एंड ओवरकोट, उसने शूज पहने, ओवरकोट पहना एंड अ हैट, और एक हैट लगा ली। ही हैड कोल्ड मीट एंड कॉफी, स्वीट्स एंड वाइन ऑल्सो, और उसने कोल्ड मीट खाया, कॉफी पी, मिठाई खाई और वाइन भी लिया। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर। ग्रिफिन किस तरह लंदन स्टोर से बचकर भागा। आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर। ग्रिफिन लंदन स्टोर से बचकर भागा Only by quickly taking off his newly found clothes, अपने नए कपड़ों को जल्दी से उतार कर वह वहां से भाग सका। Next is question number 5, और ये भी दो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। What made Mrs. Hall think of Griffin as an eccentric scientist? किस चीज से Mrs. Hall ग्रिफिन को एक सनकी वैज्ञानिक सोचती थी। ऐसी क्या चीज थी जिससे कि मिसेज हॉल उसे एक सनकी वैज्ञानिक मानती थी। और व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, क्यों मिसेज हॉल ने वैज्ञानिक को एक सनकी समझ लिया। आंसर है ग्रिफिन्स स्ट्रेंज बिहेवियर एंड हिज अनकॉमन अपीयरेंस, ग्रिफिन का अजीब व्यवहार और उसका अनकॉमन असाधारण दिखाई देना मेड मिसेज हॉल थिंक ऑफ ग्रिफिन एज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। इस चीज ने बना दिया था मिसेज हॉल को सोचने के लिए कि ग्रिफिन एक सनकी वैज्ञानिक है, क्योंकि ग्रिफिन अजीब व्यवहार करता था और उसका लुक भी अनकॉमन था।
स्टूडेंट्स, आगे के क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो से अपना सिलेबस पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और यदि आप इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हमेशा हेल्पफुल रहेंगी और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेट कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्क्राइब द कांस्टेबल इंसिडेंट इन द स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट। कांस्टेबल वाली जो इंसिडेंट थी, जो घटना हुई थी कांस्टेबल के साथ इस कहानी में, उसका वर्णन हमें यहाँ करना है। आंसर है मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल। इस कहानी में कांस्टेबल कौन था? मिस्टर जेफर्स। तो मिस्टर जेफर जो कि एक कांस्टेबल था, केम टू अरेस्ट ग्रिफिन। वह ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए आया। बट व्हेन ही ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ दैट मैन, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, ही बिकेम मोर एंड मोर इनविजिबल, तो वह और ज्यादा अदृश्य होता गया। इन द एंड, अंत में जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस बाय ग्रिफिन। जेफर को घूसा मारकर ग्रिफिन ने बेहोश कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल। किस प्रकार अदृश्य व्यक्ति पहली बार दिखाई देने वाला व्यक्ति बना? ग्रिफिन जब एक बार अदृश्य हो गया तो उसके बाद कब वह एक दिखाई देने वाला व्यक्ति बन सका? आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, अदृश्य होने के बाद, ही वॉज वेंडरिंग इन स्ट्रीट्स, वह गलियों में घूम रहा था। एंड देन प्लीज्ड हिमसेल्फ इन अ बिग लंडन स्टोर, और फिर उसने अपने आप को खुशी प्रदान की जब वह बड़े लंदन स्टोर में चला गया। बाय वियरिंग क्लोथ्स, कपड़े पहनकर, क्योंकि वह बिना कपड़ों के अदृश्य होकर घूम रहा था, उसे ठंड लग रही थी, तो वह लंदन स्टोर में गया और उसने कपड़े पहन लिए। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था जब ही बिकेम विजिबल, वह दिखाई दिया, क्योंकि कपड़े उतारने पर वह अदृश्य हो जाता था और लंदन स्टोर में प्रवेश करने पर वह दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया। नंबर 8 क्वेश्चन है व्हाट वाज ग्रिफिन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी। ग्रिफिन की असाधारण खोज क्या थी, या फिर व्हाट डिड ग्रिफिन डू टू बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन अदृश्य बनने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया? आंसर है ग्रिफिन हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिन ने एक एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, टू प्रूव दैट, ये सिद्ध करने के लिए कि द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, मनुष्य का शरीर अदृश्य बन सकता था। फाइनली ही स्वलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और अंत में उसने वह सारी दवाई, सारी ड्रग, रेयर ड्रग जो थी, उसे खुद ही अपने आप ही स्वेलो निगल लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम इनविजिबल, और उसका शरीर अदृश्य हो गया। नंबर 9 इज व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड इन द स्टोरी ऑफ क्लर्जीमैन। इस कहानी में क्लर्जीमैन वाला भी एक एपिसोड हुआ था, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा उत्सुकता भरा एपिसोड हुआ था क्लर्जीमैन की स्टडी में। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ गॉट अप अर्ली। क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ दोनों जल्दी उठ गए थे बाय नॉइसेस, शोर के कारण, इन द स्टडी। दे वेंट देयर, वे वहां गए, एंड फाउंड देयर मनी मिसिंग, और उन्होंने पाया कि उनका पैसा गायब हो चुका था। तो ये वो इंसिडेंट है जिसे हम यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा ही लिखेंगे। नेक्स्ट है हु स्टेयर्ड इन सरप्राइज्ड। कौन देख रहा था सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर, एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, गंदे कीचड़ के पैरों के निशानों को, ऑफ अ बेयर फीट। टू बॉयज स्टेयर्ड, दो लड़के घूर रहे थे इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर, एट फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। नेक्स्ट इज नंबर 11, नेम द साइंटिस्ट ऑफ द स्टोरी। इस कहानी के साइंटिस्ट का नाम बताइए।
हु डिस्कवर्ड, जिसने खोज की थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिसने बनाई थी दवाई किस तरह से मनुष्य के शरीर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, तो वो आंसर है ग्रिफिन। यहाँ केवल नेम की जगह ग्रिफिन आ जाएगा। ग्रिफिन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज नंबर 12, हु वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कौन सरप्राइज थे वैज्ञानिक के साइंटिस्ट के दरवाजे को पूरा खुला हुआ देखकर। आंसर है द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, मकान मालिक और उसकी पत्नी वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ ये वीडियो एंड होती है और आपके इस लेसन से रिलेटेड 12 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें और इस तरह से क्लास 10th के सिलेबस को पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।